मैं रोहित कुमार चौधरी आपका SRPS यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का सवाल है प्रश्नावली 9.4 के थ्री का एफ नंबर में देखिए यहाँ 191 है, यानी कि 200 से कितना कम है वो 9। 200 से कितना कम है 9। आ इसमें देखिए 200 से कितना ज्यादा है, 200 से कितना ज्यादा है 9। तो इस या किस समीकरण को आ गया a² - b² किस फॉर्मूला पर है a² - b² चलिए तो आप डायरेक्ट इसको बना लेंगे ठीक। एक के जगह पर क्या है 200, एक के जगह पर क्या है 200 का स्क्वायर माइनस क्या 9 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 200 का करेंगे तो दो दूना क्या हो जाएगा 4, और दो को जीरो है तो 4 को जीरो, दिक्कत नहीं है। माइनस 99 81, चलिए इसमें से ये नहीं घटेगा, इसमें से लेंगे ये हो गया 10 में से 9 गया 1 गया 9, ये बचा क्या 9, 9 में से 8 गया 1, यही ना बचा, ये हो गया क्या 9, ये हो गया है 9, ये हो गया है क्या डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा आंसर, दिक्कत नहीं है इसमें। इसी प्रकार से इसमें भी देखिए यहां इसको हम तोड़ सकते हैं ऐसे 10 + 0.5 दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसके बाद में यहां देखिए 9.5 है तो 10 में से देखिए 10 में से 0.5 घटाएंगे 9.5 हो जाएगा। अभी दोनों किस फॉर्मूला पर है a² - b² के फॉर्मूला पर, देखिए यहां a + b के रूप में दिया है, i किस रूप में दिया है a - b के रूप में, इसका क्या फॉर्मूला a² - b² यही ना है। तो अब क्या करेंगे आप लोग डायरेक्ट इसके बाद में क्या लिखेंगे a के जगह पर 10 का स्क्वायर और b के जगह पर 0.5 का स्क्वायर, दिक्कत नहीं है इसी फॉर्मूला पे ना है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, चलिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, एक स्थान पर है तो अब कितना स्थान पर 2 स्थान पर बन जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा, यहां हम इसको भी हम क्या करेंगे उसी रूप में कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए 0.25, इसमें सही नहीं घटेगा तो इसमें से लेंगे ये हो गया क्या, यहां ले लेंगे ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये क्या बचा 9 में से 2 गया 7 हो गया 0.5, इसमें से चल गया था क्या बचा था 9, फिर इसमें से आया था इसमें पहले तो ये भी इसमें से चला गया इसमें, तो ये भी क्या बचा था 9, ये तो चला गया था ना सब, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा 99.75 इसका आंसर, दिक्कत नहीं है। चलिए अब एच नंबर देखिए, एच नंबर चलिए इसको मिटा देते हैं उसके बाद में एच नंबर इसी को बना देते हैं। चलो एच नंबर देखो 101 यहाँ दिया हुआ है तो हम ऐसे कर सकते हैं 100 + 1 एक के स्क्वायर माइनस 99 दिया है तो यहाँ भी कर सकते हैं 100 - 1 के स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ देखिए a + b के होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, दोनों का अलग अलग निकाल देना है। यहाँ देखिए a के रूप में क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 × a के जगह पर 100 है और b के जगह पर क्या है 1, यही ना है यस सर, प्लस b² कितना b के जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर, यहाँ दे देंगे हम क्या बड़ा कष्ट क्योंकि यहाँ बीच में क्या माइनस नहीं है। अब यहाँ देखिए a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, यहाँ क्या लिखेंगे a² यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 2 × a के जगह पर क्या 100 है और b के जगह पर क्या 1 है प्लस b² यानी कि 1 का
स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। चलिए यहां 100 का करेंगे तो क्या 10,000 2 × 100 200 हो जाएगा, 200 × 1 2,000 रहेगा, ठीक, प्लस 1, दिक्कत नहीं है यहां। माइनस ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो 10,000 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 200, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं सर। चलिए यहां हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक, यहां डायरेक्ट उतार देते हैं, जोड़ने के लिए आवश्यकता ना पड़ेगा। 200 प्लस 9, ये देखिए माइनस में है तो ई प्लस में है तो प्लस माइनस, माइनस क्या 10,000, दिक्कत नहीं है, ई माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना 200, अब प्लस माइनस अब प्लस माइनस क्या, देखिए 10,000 प्लस में है 10,000 माइनस में कट जाएगा, 1 प्लस में है 1 माइनस में है क्या हो जाएगा कट जाएगा, 200 प्लस में है 200 प्लस में कितना हो गया आंसर आपका 400 आंसर, दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं सर। चलो आई नंबर अब देख लो, आई नंबर देखो 1.5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यस सर। चलिए माइनस 0.5 है यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 − 0.5 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, इस तरह समीका से कर रहे हैं ना तो ऐसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये प्लस बी के होल स्क्वायर, ये माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो चलिए तो ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस 2 × 2 ए के जगह पर 1 बी के जगह पर 0.5 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर, चलिए ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद में माइनस क्या, यहां देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी ए के स्क्वायर माइनस 2 × 2 ए के जगह पर 1 × 0.5, चलिए इंटू के जगह पे गुना लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना है। इसके बाद में प्लस क्या बी स्क्वायर, याद है ना ए माइनस बी के होल स्क्वायर, अब आपको क्या करना है, एक के स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 × 2 = 10 यानी कि आपका क्या हो जाएगा 2 × 10, तो यहां देखिए 1.0, दशमलव एक स्थान पर है तो एक स्थान पर दशमलव रहेगा, प्लस 25 यानी कि 0.25 माइनस ये कितना है, चलिए लिख देते हैं, एक का स्क्वायर एक होगा माइनस 2 × 2 = 10 दशमलव एक स्थान पर बैठ जाएगा, प्लस क्या 25 स्थान पर आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए 1 + 1 + 0.25 माइनस, या देखिए माइनस में आई प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 1, माइनस और प्लस माइनस क्या 0.25, दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ प्लस 1 यहाँ माइनस 1 कैंसिल, उसके बाद में यहाँ देखिए प्लस में 2.5 यहाँ दशमलव के बाद में दोनों संख्या सेम है, 1 आई 1 कितना हो गया 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर, दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं सर।